नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाफर कला में। जाफर कला थाना है यहाँ पर, ये नजफगढ़ का थाना है। और यहाँ पर कल रात से जो है दलित समाज से एक बच्ची है, 26 साल की है, जो 11 दिन से लापता थी, उसका शव मिलता है हरियाणा के रोहतक से दबा हुआ। और जो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर शव मिला और उस बॉडी के साथ लगातार यहाँ पर भीम आर्मी मौजूद थी कल रात से, और परिजन मौजूद थे यहाँ पर, और पुलिस प्रशासन उस पर चुप बैठा हुआ था, और ज़बरदस्ती माँ को जो है धक्का देकर उस शव को अंदर ले जाया गया। अभी जो है हमारे साथ संगीता की दोस्त हैं, उन्हीं से जानते हैं सारा वाक्य, क्या कुछ हुआ था संगीता। संगीता के साथ शुरुआत से तो देखो, उसके पास कॉल आई थी एक रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि वो सिंगिंग करती थी, साथ में सिविल डिफेंस में भी जॉब करती थी, तो सिंगिंग करती थी। उसके पास कॉल आई कि हमें भाई ऑडियो करानी है आपसे भिवानी में। तो जब फर्स्ट टाइम गई तो अपने साथ एक अपने दोस्त को लेके गई थी, जो कि सिविल में उसके साथ में जॉब करता है, ठीक है। जब वो सेकंड टाइम गई तब वो अकेली चली गई। जो फर्स्ट टाइम गई थी तब तो वो सेफली घर छोड़ दी उस लड़के ने, क्योंकि उसके साथ कोई था इस वजह से। जब वो सेकंड टाइम गई है ना, तो उसने मतलब उसका विश्वास सा जीत लिया कि हाँ भी अच्छा बंदा है, शक वाली कोई बात नहीं, साथ में खाया पिया उन लोगों ने, आधे रास्ते से वापस ले आया था, वो स्टूडियो भी नहीं लेके गया था। फ़ोन कर दिया कि है ना कुछ गड़बड़ होगी, हम 2 दिन बाद करेंगे शूट बहाने से। तो जब उन लोगों ने खाया पिया, इसको विश्वास हो गया कि चल भाई मेरी लाइन का बंदा है, विश्वास कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि वो ज़्यादातर करती रहती थी काम, हर बार काफ़ी सॉन्ग किए उसने, तो वो ये एक विश्वास के तौर पे वो अकेली उसके साथ चली गई, और उस लड़के को जो चीज़ चाहिए थी मतलब वो मिल गया, क्योंकि उसको वो अकेली ही पकड़नी थी, जो उसको अपनी जो वारदात था उसको काम अंजाम देना था ना, तो वो ही हुआ उस दिन। वो अकेली उसके साथ चली गई विश्वास करके उसके साथ। अब उस लड़के ने गाड़ी में उसको कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाई, क्या पिलाया, नशीला पदार्थ उसको कुछ दिया। जिस टाइम वो रेस्टोरेंट में से उतर रही है ना गाड़ी में से, तो उस टाइम उसके पैर डगमगा रहे हैं, तो उस टाइम लड़का उसका हाथ पकड़ के ले गया है साथ में, अपने बैठे एक स्टूल पे, वहाँ थोड़ी सी वो हरकतें कर रही है, ऐसी बैठी है, आराम से खेल रही है, मेज पर हाथ रखे कुछ खा रही है। बट उसी टाइम में जहाँ उनकी गाड़ी रुकी थी ना, दिव्या अंदर चली गई, उसी टाइम गाड़ी के पास 3 बाइक रुखी हैं, उन पे 3-3 बंदे बैठे हुए थे, किसी पे 3 किसी पे 2, कम से कम 7-8 बंदे और आए हैं वहीं पे। उस लड़के ने उन बंदों से भी बात करी है, तो हम लोगों का कहना ये है, जो उसकी बहन ने फोटेज देखे उसने कहना ये है उसकी बहन का, कि ये 2 बंदों का काम ना, एक वो लड़का सिर्फ अकेला कबूल रहा है कि मैंने अकेले नहीं किया, तो अकेला कैसे कर सकता है। लड़की को मारता है, गाड़ी में ले जाता है, फिर गड्ढा खोदता है, फिर उसको दबाता है, ऐसा अकेला बंदा कर ही नहीं सकता, ना 2 कर सकते, ये और बंदों का हाथ है। तो इसी घर वालों की ये ही मांग है कि जो मेरी बहन के साथ फोटेज में और बंदे आ रहे हैं, उन लड़कों का रिमांड लिया जाए, जो और बंदे छुपे हुए हैं उनको निकालो, और हमें बताओ कि उन लोगों ने मेरी बहन के साथ मिलके ऐसा काम क्यों किया। यहाँ तक कि रेप का भी हो सकता है, क्योंकि जिस हालात में वो पाई गई है, वो सिर्फ खाली अंडरगारमेंट्स में पाई गई है, उसे कपड़े अपड़े सब उतार के जला दिए, और मेरे ख्याल से उसका फेस भी जला दिया था, क्योंकि उसका फेस जो है पूरा ब्लैक हो रखा है, उसकी नोज़ जो है टेढ़ी हो रखी है जल के, क्योंकि बॉडी अगर गलती है तो इतनी जल्दी नहीं गलती, वो फूलती है एक तरीके से, जितनी जल्दी उसकी बॉडी गल गई हो तो वो जले से गली गई, उसके ऊपर नमक छिड़क दिया है। और जिस दिन अभी परसों जो 23 तारीख को जो आंधी आई है ना, उस आंधी में उस हवा चली है, तो जब रेत उड़ गया है ना, तब उसका हाथ बाहर आया, तब पता चला है कि लड़की वहाँ पे ऐसे, जिसमें कि पुलिस वाले ये कहते हैं कि 23 तारीख को आपके पास फ़ोन आएगा, आप उनसे बात करना अपनी बहन से, 23 तारीख को फ़ोन आएगा कहाँ से, वो तो मर चुकी है। फिर कहते हैं कि 25 तारीख को आपकी बेटी आपके पास होगी, जिसमें जब तक इनके घर वालों को पता नहीं था कि हमारी लड़की मर गई है, कहते 25 तारीख तक तुम्हारी लड़की तुम्हारे पास होगी, तुम्हें कैसे पता कि 25 तारीख तक लड़की हमारे पास होती है। कहता हमारे पास फ़ोन आया है, अब उसकी बहन ने उनसे नंबर मांगा कि मुझे नंबर दो, जिस नंबर से आपके पास फ़ोन आया, अब नंबर दो, क्या पता मेरी जान पहचान का हो, क्या पता हमारी बहन के रिलेटिव के गए हो। तो बोलता है मैं दे देता हूँ नंबर आपको। वैसे जैसे उसने नंबर दिया, लास्ट डिजिट जो उसने लड़की ने नोट किया, नोट करते ही बोलता है शायद है ना ये नंबर बंद पाएगा। भाई जब बंद है तो किसने कही? भी पुलिस वाले ने कही कि ना शायद ये नंबर है ना बंद होगा, थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था, अब शायद ये नंबर बंद होगा। तो उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल आएगी, तो उसकी बहन ने मना कर दिया कि वीडियो कॉल नहीं, हमें ऑडियो कॉल कराओ, कि वीडियो कॉल कराओगे तो हम लोकेशन ट्रेस तो ना कर पाएंगे। तो उसकी बहन ने अपने माइंड लगा के कहा नहीं हमें कराओ तो ऑडियो कॉल कराओ, नहीं तो लड़की हमारे सामने पेश कर दो, अगर वो अपनी मर्जी से गई भी है तो कोई बात नहीं। बट वो लड़की अपनी मर्जी से गई नहीं, पुलिस वालों ने बहुत झोलमोल बीच में कराया। 16 तारीख को पुलिस वाले रवि से मिल के आए थे उस लड़की से, जो कि कॉल डिटेल वगैरह लोकेशन से पता निकाला गया उसके घर का। 16 तारीख को वो उससे मिल के आए हैं, जब मिल के आए हैं तब इसकी बहन ने जाके काफ़ी
सारे सबूत ला के पुलिस वालों के हाथ में रख दिए ना, जब इनको लगा डर कि हाँ भाई हमारी ड्यूटी पे बात आ सकती है, एक लड़की लापता है, तब पुलिस वाले उठ के 16 तारीख को गए हैं रवि से मिल के आए। अगर उस टाइम भी वो रवि से थोड़ी सख्ताई से पेश आते ना, उससे सख्ताई से पूछताछ करते। ये वही लड़का है जो मतलब लेके गया? रवि वो लड़का है जो इस उसका मेन सस्पेक्ट वो है, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, किसी और के थ्रू करवाया है। वो बंदा है रवि, बंदा वो है, उसके साथ इसका मेरी फ्रेंड का रिश्ता हुआ था काफ़ी टाइम पहले तो रिश्ता हुआ था, घर वालों की राजी से रिश्ता हो गया, पर उस लड़के ने उस बीच में मेरी फ्रेंड को धोखा दे दिया, उसने शादी किसी और से कर ली, तो मेरी फ्रेंड ने उस पर धोखाधड़ी का केस लगवा दिया था। तो उसके ऊपर केस लगाया था, मेरी फ्रेंड ने इंसानियत कहलाते उसको बाहर भी निकलवा दिया था, मेरी फ्रेंड की मम्मी ने मेरी फ्रेंड ने मिलके, कि ये अपनी माँ का एक ही बेटा है, कोई बात नहीं, जो इसने माँ के साथ धोखाधड़ी करी है कोई बात नहीं, ये अपनी ज़िंदगी जिएगा। मेरी फ्रेंड ने भी उस टाइम ये कहा था, मम्मी निकलवा दें इसको, मुझे केस वेस का चक्कर भी नहीं पड़ना, मैं नहीं जा सकती कोर्ट कचहरी में, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी, मैं अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीऊँगी, कोई बात नहीं, मुझे धोखा मिला है मैं सहन कर लूँगी, ये करके उस लड़के को बाहर भी निकलवा दिया। उस लड़के ने तीन या साढ़े तीन चार साल बाद उसने अब ये बदला लिया तब का, यानी कि बदले के तहत हो रहा है, इससे पहले बदला ही लिया गया। ये कोई ऐसा नहीं था कि सिंगिंग लाइन का बंदा है या इस लाइन के बंदे ख़राब हैं या फिर उन्होंने प्लानिंग करी, इस लाइन का बंदा नहीं था कोई, उस लड़के ने ही पूरी प्लानिंग से इसको गाने वगैरह के बहाने से बुलाया, किसी और नए बंदे को उसके सामने रखे, क्योंकि जिसको वो पहचानती नहीं है। तो ये बातें सारी हुई थी और लास्ट हम कल रात से हम बैठे थे थाने में सब को लेके, क्यों, क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिला अपनी मेरी फ्रेंड का, इसलिए हम वहाँ लेके बैठे थे पूरी रात, हम बैठे बैठे रह गए क्योंकि पूरी बारिश आंधी तूफान, हम सब लोग बहुत भीगे, ये सारी भीम समाज पार्टी सब वहाँ बैठी थी, तब भी पुलिस वाले शांति से खड़े खड़े देख रहे थे। बट सुबह 5 बजे पता नहीं उनमें क्या आया, क्योंकि या तो हमारे बंदे कम हो गए थोड़े से, सब लोग भीग गए थे, सब लोग कपड़े पड़े सुखाने चक्कर में इधर उधर हो गए, कोई कपड़े चेंज करने चला गया, तो शव के पास उस टाइम इसकी मम्मी थी और शव से थोड़ा सा दूर और भी लोग खड़े थे, जब उन्होंने देखा शव के पास कोई नहीं है, शव खाली सा है एकदम, कोई नहीं उसके आसपास, फटाक से गए और फटाक से शव उठाया, उसकी मम्मी ने कहा अरे मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो, तो मम्मी को लेडीज कांस्टेबल जो उसने पीछे से पकड़ा और उसको धक्का मारा और उठा के शव को गाड़ी में रखे फिर भगा दिया, पता नहीं कहाँ ले गए, हमें अभी तक शव कहाँ पर है, शव का भी कुछ नहीं बताया कि शव कहाँ पे। अब ये शव के लिए ये लोग ये कह रहे हैं कि तुम अगर तुम उसको दाग दोगे तब हम तुम्हें बॉडी देंगे, नहीं तो हम तुम्हें बॉडी नहीं देंगे, उन वो बॉडी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम फिर से धरना करेंगे बॉडी को रखे, वो इसलिए बॉडी नहीं दे रहे हैं और फिर ऊपर से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कह रहे कि हमने कहा है कि कोई बात नहीं अपने पास रखो, जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा हम तब तक बॉडी को दाग नहीं देंगे, रखना अपने पास रखो, जो तुमने अंतिम संस्कार करने के पीछे क्यों पड़े हुए, जिस तरीके से हाथरस में भी इसी तरीके से किया गया था, क्या वो उसी चीज़ को अंजाम दिया जा रहा है दिल्ली में भी? ये तो अब देखो वही है ना, अपनी गलती छुपाई जा रही है और कुछ नहीं है, गलती छुपाई जा रही है, यहाँ तक कि भी पोस्टमार्टम आया ही नहीं है, बुरी बहुत गंदी तरीके से बेचारी को उसको मारा है, उसका सर फोड़ा है, मैंने तो उसकी फोटोज देखी, उसके सर पे चोट मारी है, उसका फेस जला दिया, कपड़े सारे उसके फाड़ दिए, पूरी बॉडी पे नखनों के निशान है, मतलब बहुत बुरी तरह उसको मार के गड्ढे में दबा दिया, नमक छिड़क दिया उसके ऊपर, मतलब इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी यार, उसकी ऐसी क्या गलती थी, उसने तो उस लड़के को रिहा भी करा दिया था एक इंसानियत के नाते, पर उस हैवान ने पता नहीं क्यों उसके साथ ऐसा किया, और सारी गलती पुलिस वालों की ये, क्योंकि इन लोगों ने इसकी बात की बहन की बात को सीरियस नहीं ला, क्योंकि उन्होंने कई बार कहा सर प्लीज आप रवि को पकड़ो, हो सकता है उसी को पता होगा मेरी बहन के बारे में, पर पुलिस तो ये सोचती है जवान लड़की भाग गई होगी किसी के साथ, लड़के को तो यही सोचती है 18 की लड़की हुई वहाँ तो अपनी मर्जी की मालिक है, क्या पता किसके साथ चली गई हो, पर हर लड़की ऐसी नहीं होती है कि किसी के साथ भाग गई हो, किसी के साथ अनहोनी भी हो सकती है, हमको पूरा विश्वास था कि हमारी बहन हमारी मेरी फ्रेंड वो ऐसे नहीं गई है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से बहुत ज़्यादा वाकिफ थी, अपनी फैमिली को लेके कहती थी बहन मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो अपने पापा के साथ रहना है, अब मेरे छोटे बहन भाई सबसे बड़ी थी, वो पूरी जिम्मेदारी घर की वही उठाई थी एक तरीके से। जिस तरीके से ये पुलिस अपनी संवेदनशीलता दिखा रही है, क्या इनमें से किस इतनी फुटेज भी मिली होंगी इस पुलिस वालों को, फुटेज मिली है ना सारी पुलिस वालों? फोटेज ला के दिए उनको, मिले क्या है मेरी फ्रेंड की बहन, आप लोगों ने ला के दिए, हाँ। जो पुलिस का काम था मतलब आप लोगों ने, यही तो बात सारी वो हो रखी है पुलिस वालों की तरफ से, कई वाक्य पुलिस वालों ने ऐसे करे ना, तो वो 22 तारीख को कॉल वाली बात झूठ बोली, 25 तारीख को तुम्हारी बेटी आएगी ये झूठ बोला, रवि से बात करके आए पता नहीं क्या बात करी वो भी उन्होंने झूठ बोला, अब यहाँ तक कि ये जो बात है लास्ट आपने अभी क्या बोली थी फोटेज, यहाँ तक कि जो फोटेज वाली बात है उसको भी मेरी फ्रेंड ने कहा सर ये लोकेशन आप मेरे साथ एक बंदे को भेजो जो मुझे फोटेज देगा, तो बंदे को नहीं भेजा उसके साथ,
कांस्टेबल जो होता है वो एक बंदा नहीं भेजा, वो बेचारी वो लड़की अकेली अपने भाई के साथ भिवानी गई बाइक पे इतनी धूप में तपती हुई। उस लड़की ने जाके उनसे फुटेज मांगी, उन लोगों ने फुटेज नहीं दी, उन्होंने कहा पुलिस वाले को लेके आओ साथ में। फिर पुलिस वाले से इनसे बात की, सर ये हमें फुटेज नहीं दे रहे, आप लोग तुम्हारे साथ आए नहीं। फिर उन्होंने कहा, पता कैसा रिएक्शन था, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, अरे दिखा देना यार कुछ ना होता, दिखा दे देख लेंगे इनकी शांति हो जाएगी। मतलब ये रिएक्शन था उन लोगों का, बात एक ये इतना बड़ा मामला हो जाता है और उनका रिएक्शन, रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी, उसने मेरे पास भेजी थी, अरे यार दिखा दो ना एक बार क्या होता है, ये शांत हो जाएगा इनका मन जो है शांत हो जाएगा। जब उस होटल वाले ने दिखाई थी फोटेज ला के इनके मुँह पे मारी है, जब इन्होंने देखा है भी लड़की साथ गलत हुआ है तब ये लोग उठे हैं। अपराधी को जो है अभी तक इन्होंने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार इन्होंने दो लड़कों को किया है, पर इसमें पूरे मामले में दो लड़के नहीं है, लड़के और हैं। तो हम लोगों की बस यही है कि उन लड़कों को भी पकड़ा जाए, क्योंकि जहां लड़की की लाश मिली है उन लोगों का घर भी वही आसपास है, तो कहीं ना कहीं उनके घर परिवार में से भी कोई शामिल है, तो उनके घर वालों को पकड़ो और उस जो चार पाँच लड़के और दिखाई जा रहे हैं फुटेज में उन लड़कों को रिमांड पे लो, रिमांड पे लोगे तब वो बताएंगे कि वो और लड़के कौन थे। यहाँ तक कि अभी इसको न्यूज़ में भी हमारा, मैंने आपको बताया था कि न्यूज़ में भी एडवांस में छाप दिया था, लड़की की शनाख्त हमने कल करी है, न्यूज़ में परसों छप गया था पूरे प्रूफ हो चुकी। हाँ नहीं शनाख्त नहीं हो चुकी है, निकली वहाँ पे जब शव मिला वहाँ के लोगों को, मैम के लोगों को शव मिला वहाँ पे कि भाई एक लड़की निकली है यहाँ से ऐसे ऐसे निकली है, तो उसकी फोटो के साथ पूरी स्टोरी छाप दी कि दिव्या नाम है इस लड़की का, दिल्ली की रहने वाली, ये वो। और कल घर वालों के पास फोन आया कि लड़की की पहचान कर लो, हमने जब लड़की को बताया नहीं कि दिव्या है, तो तुमने उस एडवांस में कैसे छाप दिया कि वो दिव्या है, तुम्हें कैसे पता कि वो दिव्या है, जो तुमने पूरी न्यूज़ छाप दी उसकी। उस पेपर में ये भी लिखा हुआ है कि मतलब उसके साथ गैंग रेप नहीं हुआ है, हत्या हुई है ओनली, उसकी हत्या हुई है, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम नहीं आया सब, तो ये है। पर जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कंडीशन जो मिली थी, तो मुझे लगता है कि उसके साथ गलत भी हुआ है जिस कंडीशन में वो मिली है, अब वो तो देखो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। क्या कुछ मांग है प्रशासन से, कोई भी यहाँ पर अभी नेता भी यहाँ पर कोई नेता नहीं दिख रहा है, कोई भी दिल्ली सरकार से भी या केंद्र सरकार से भी कोई भी यहाँ पे अभी कोई अध्यक्ष वगैरह कोई भी आया है? देखिए अध्यक्ष वगैरह जो आए हैं अभी, जो अपने मोहल्ले के जो होते हैं बड़े अध्यक्ष हो जाते हैं, जैसे कि प्रधान लगा लो या जो, अभी फिलहाल में यही लोग हैं, कोई बीजेपी कोई कांग्रेस से कोई बड़ा नेता वेता नहीं आया है अभी। हमारी ये भीम आर्मी है जो बेचारी कल से हमारा साथ दे रही है, पूरी आंधी तूफान में भी हमारे साथ थी और अभी हमारे साथ है, बस भीम आर्मी ने ही अच्छा क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो दलित समाज से आती है, वो दलित समाज से और उसको लगा लो एक मिडिल क्लास। मेरा मानना यह, अगर वो थोड़ी अमीर होती ना, उस घर वाले उनके मुंह पर पैसे फेंकते ना एक मिनट में काम करते, पर बेचारे वो गरीब लोग थे, वो नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके घर का खर्चा खुद वो लड़की चलाती थी, जो भी काम होता था घर वालों को करी दी दिव्या फोन पे, बेटा ये काम को करी दिया फोन पे, वो 3,000 का काम भी बंदी है ना 1,500 में करती थी, पता है मुझे बताती थी वो अपने मन की बातें, जब मुझे बताया राधिका मैंने तो वो शूट है ना इतने में कर दिया, मैं कहता तेरा दिमाग खराब है, इतने का काम तो इतने में कैसे कराती है, कह रही यार नहीं मिलने से तो अच्छा कुछ मिलता है तो बहुत अच्छा है ना, तो वो इतनी सोच रही थी अपने घर वालों के बारे में, पता है जो उसके साथ हुआ बहुत गलत हुआ है, और कुछ नहीं कोई साथ नहीं दे रहा अभी, बस पुलिस वालों से यही सरकार से मांग है कि जो और बंदे हैं उनको भी ढूंढा जाए, उनको सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए, फांसी से नीचे कोई सजा नहीं, दूसरा जो ये IO SHO जो हैं इनको डिसमिस किया जाए बस। अभी आपने देखा किस तरीके से एक दलित समाज से जो बच्ची आती है उसके दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है, और फिर जो है उस पर पुलिस का रवैया देखिए किस तरह उसके साथ जो है गलत नहीं हुआ है, फुटेज भी जो है ला करके लड़की की बहन ला करके देती है, जो कि एक पुलिस वालों का काम होना चाहिए वहाँ की CCTV फुटेज खंगालना, मगर परिवारजन करके देते हैं ये काम। सोचिए हमारे देश की ये मीडिया यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई मंत्री नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई कैंडल मार्च नहीं निकल रही है, कोई भी बड़ा या कोई भी यहाँ पर नेता आपको दिखेगा नहीं सिवाय भीम आर्मी के, लगातार यहाँ पर सभी जो है भीम आर्मी के ही लोग मौजूद हैं, उसके परिजन मौजूद हैं, जो हमदर्द लोग हैं वही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से दर्दनाक तरीके से अर्धनंग शरीर जो है उसका शव मिलता है वहाँ से, उस मिट्टी में से, जो काम इस पुलिस वालों को करना चाहिए था, अपनी पूरी जो है ये इस तरीके से अपने काम को भूल गई है सरकार और ये सत्ता में बैठे पुलिस वाले भी, ये क्या इन लोगों को इस तरीके से करना चाहिए था, क्योंकि ये रवैया क्यों अपनाते हैं कि वो दलित समाज से आती है इसलिए इस तरीके का रवैया करा जाता है। अभी तक जो है पोस्टमार्टम के नाम पर जो है दलित समाज की जो बच्ची थी उस बच्ची का शव नहीं दिया गया है, अभी तक ये बोला जा रहा है कि पोस्टमार्टम
किया जाएगा या फिर वो दाह संस्कार किया कर देंगे आप लोग, तभी जो है शव दिया जाएगा। अभी तक शव भी नहीं दिया है। सोचिए किस तरीके से ये लोग सारे सत्ता में बैठे हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं, सीधी सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा सकती हूँ किस तरीके से। लड़की की बहन भी यहाँ मौजूद थी, बुरी तरीके से रो रही थी। आप इसी तरीके से देखते रहिए, मैं दिखाती रहूँगी आपको। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा माथुर,